हे गाइस, वेलकम बैक टू कुक एंड बेक विद रश्मि। सो आज हम बनाने जा रहे हैं एक चिकन की ट्रेंडिंग डिश। बहुत ही चटपटी और यम्मी बनती है ये, जो कि है चिकन चंगेजी। ये बहुत ही चटपटी सी रहती है, स्पाइसी रहती है, एक हल्का सा स्मोकी सा फ्लेवर रहता है इसमें। कोई भी सेलिब्रेशंस के लिए या फिर पार्टी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन रहता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। तो चलिए ऐसे अभी फटाफट बनाना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 kg चिकन, ये विद बोन है। इसे मीडियम साइज़ में मैंने कट कर लिए है, अच्छे से धो के साफ़ करके। बस इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। बस इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon सॉल्ट। इसी के साथ इसमें जाएगा 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला 1 teaspoon। 1 teaspoon जाएगा इसमें रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। 1 tablespoon धनिया पाउडर। इसी के साथ इसमें जाएगा 2 medium spoon कश्मीरी चिल्ली पाउडर। यहाँ पे आप जो भी तीखा मिर्ची पाउडर यूज़ करते होंगे वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 teaspoon। अगर आपके पास गरम मसाला पाउडर ना हो तो आप कोई भी चिकन मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 tablespoon इतना लेमन जूस, यानी कि नींबू का रस। बस अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अभी हम कम से कम इसे 1/2 hour के लिए इसे मैरिनेट होने देंगे, या फिर आप इस स्टेज पे ओवरनाइट भी इसको फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए आप रख दे सकते हो। तो चलिए, जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। सो यहाँ पे मैंने ले लिए है 4 medium size के अनियन। इसे हम थिनली स्लाइस कर लेंगे और फिर एक पैन में हम डालेंगे अराउंड 2 to 3 tablespoon ऑयल, और इसमें हम हमारे जो अनियन है वो सारे ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सॉफ्ट होने तक हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सो विद इन 3 to 4 minutes के अंदर ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटो, जो कि मैंने रफली चॉप कर लिए है। इसे भी हमें हाई फ्लेम पे ही अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, जब तक कि टमाटो जो है वो पूरे तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए, अराउंड 7 to 8 minutes के अंदर ही ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने लग जाएंगे। सो चलिए, यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि अराउंड 7 to 8 minutes के अंदर ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो अनियन है वो भी अच्छे से हल्के से गोल्डन ब्राउनिश हो चुके हैं। सो इस पॉइंट पे हम इसे फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए, अभी जो हमारा चिकन है वो 1/2 hour हो चुका है मैरिनेट होके। सो यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने, इसमें हम ऐड करेंगे अराउंड 1 tablespoon ऑयल, जो कि हम अच्छी तरीके से हमारे पैन में पूरी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे हम 1 tablespoon बटर। बटर ऑप्शनल है, मगर अगर आप डालें तो इसका जो टेस्ट है चिकन में बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद हम हमारा जितना भी चिकन है वो इसमें 1 by 1 ऐड करते जाएंगे। फ्लेम जो है मैंने पूरी तरीके से हाई रखी है, हाई फ्लेम पे ही हमें इसे अच्छी तरीके से फटाफट फ्राई करके लेना है दोनों तरफ से। बस हमें इसे 90% तक ही कुक करना है और जो बाकी का 10% रहेगा वो ग्रेवी में हम कुक करेंगे इसे। फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो आप आपके हिसाब से तो कभी मीडियम और कभी हाई करके अच्छी तरीके से हमें इसे 90% डन होने तक इसे दोनों साइड से फ्राई करके लेना है। सो चलिए, अभी आप देख सकते हैं 90% ऑलमोस्ट ये डन हो चुके हैं। सो इस पॉइंट पे जो फ्लेम है हम ऑफ रखेंगे और जो हमारा पैन है वो हम साइड में रख लेंगे। और अभी आ जाते हैं हमारे पहले पैन की तरफ, जहाँ पे हमने अनियन और टमाटो अच्छे से फ्राई कर लिए थे। बस उसी पैन में मैंने 1 tablespoon इतना ऑयल ऐड कर लिया है और 1 tablespoon हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है बटर। सो बटर जो है वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसके जगह घी भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऑयल में भी कर सकते हैं। सो अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 to 2 tablespoon इतना जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे अच्छी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हमें फ्राई करके लेना है, जब तक कि जो इसकी रॉ खुशबू है वो पूरी तरीके से निकल ना जाए। और बस इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जो कि है 1 tablespoon इतना हम डालेंगे रोस्टेड धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1 teaspoon जीरा पाउडर, ये भी भुना हुआ जीरा पाउडर है।
और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 टीस्पून इतनी हल्दी पाउडर, और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे चिल्ली पाउडर जो कि मैंने ली है यहाँ पे कश्मीरी चिल्ली पाउडर, जो कि कम तीखी रहती है और जो इसका कलर रहता है वो भी ज़्यादा अच्छा आता है। सो ये आपके हिसाब से आप 2 से 3 टेबलस्पून इतना ऐड कर सकते हैं इसमें। बस अभी हमें इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेना है, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा अनियन टमेटो का जो हमारा पेस्ट था वो इसमें पूरी तरीके से ऐड कर देंगे। और बस इसमें थोड़ा सा पानी मिक्सी में डाल के मैंने इसमें डाल दिया है, और अभी हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करके ले लेंगे। 5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि जो सॉल्ट है वो ऑलरेडी हमने चिकन फ्राई में भी डाला हुआ है, सो इसी हिसाब से हमें इसमें ऐड करना है। बस इसे अच्छी तरीके से थोड़ा हम भून के अभी हम स्लो फ्लेम पे इसे रखेंगे जब तक कि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरीके से कुक ना हो जाए। सो अराउंड 7 to 8 मिनट्स के अंदर ही अच्छे से कुक हो जाता है। सो आप देख सकते हैं जो मसाला है उसने जो कलर है वो अच्छा सा एक डार्क ब्राउन आ चुका है इसमें, और जो मसाला है उसका जो कच्चापन है वो पूरी तरीके से निकल चुका है। सो अभी इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश दही। सो यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून भर के इतना दही डाला हुआ है, जो कि अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो 150 ग्राम है। इस पॉइंट पे जो फ्लेम है वो मैंने थोड़ा मीडियम टू स्लो रखा हुआ है, और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे दही को, और उसके बाद हम इसे स्लो फ्लेम पे रखेंगे 10 मिनट के लिए जब तक कि ऑयल ना सेपरेट हो जाए। सो चलिए आप देख सकते हैं कि 10 मिनट हो चुके हैं और जो ग्रेवी है उसमें से ऑयल सेपरेट अच्छे से हो चुका है। सो बस अभी इस मोमेंट पे हमें इसमें ऐड करना है हमारा जो फ्राइड चिकन था 90% वो हम इसमें ऐड करेंगे, और एक बार अच्छे से हम इसे हल्के हाथ से जेंटली हम इसे मिक्स करेंगे, अदरवाइज़ जो चिकन है वो फट से टूट सकता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे डन हो चुका है। सो इसे अच्छे से जेंटली हम मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम पानी। जो पानी है वो हम इसमें ऐड करेंगे एकदम बॉइल्ड वाटर, जो कि है 2 मीडियम कप्स इतना। आप पानी का जो क्वांटिटी है आपके हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम स्पून इतनी कसूरी मेथी। इसे अच्छी तरीके से हाथ से मसल के हमें इस तरीके से इसके ऊपर डाल लेनी है। बस इस पॉइंट पर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे, इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे 5 मिनट्स के लिए इसी तरीके से कुक होने देंगे। सो चलिए अभी आप देख सकते हैं 5 मिनट्स के बाद जब हम ग्रेवी ओपन कर रहे हैं, सो कितने अच्छी तरीके से जो हमारा ग्रेवी है चिकन का वो पक चुका हुआ है। फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आ रहा है। इस पॉइंट पे हम अच्छे से एक मिक्स दे देंगे, जो हमारी कसूरी मेथी है उसे मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इस पॉइंट पे फ्रेश क्रीम। सो फ्रेश क्रीम हमें इसमें ऐड करना है अराउंड 100 ml इतना। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर में जमी हुई मलाई जो रहती है वो भी अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून इतना ऐड कर सकते हैं इसमें। और बस अभी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हमारी ग्रेवी के साथ। अभी जो फ्लेम है मैंने वो लो रखी हुई है, अदरवाइज़ जो हमारा क्रीम है वो फट से फट सकता है। और बस एक अच्छे से हम इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, अदरवाइज़ गरम मसाला पाउडर ना हो तो चिकन मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और हरा धनिया। सो ये फाइनली चॉप्ड हरा धनिया मैंने डाला हुआ है, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऊपर से 1 टीस्पून इतना बटर। और बस अभी हम इसे 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे ही कुक होने देंगे, जिससे कि जो सारे मसाले हैं वो एक साथ अच्छे से इसमें कंबाइन हो जाए। सो चलिए 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो चलिए अभी हम लास्ट स्टेप हम इसमें ऐड कर लेते हैं, जो कि हमें इसे स्मोक देना है, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल एग्जैक्टली बना रहे हैं तो इसे स्मोक देना भी बहुत ही ज़रूरी है। सो यहाँ पे मैंने एक बाउल डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे कोयला जला हुआ, और इस पर थोड़े से बूंद हम छिड़क देंगे ऑयल का, और बस तुरंत ही हम इसे जो ढक्कन है इसका वो लगा देंगे, और अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए इसी तरीके से हम इसे स्मोक होने के लिए रख देंगे। सो चलिए अभी 2 मिनट्स हो चुके हैं और जो हमारा चिकन है चिकन चंगेज़ी वो रेडी हो चुका है। बहुत ही ख़तरनाक सी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेम्पटिंग है,
बस ऐसे लग रहा है ये कब प्लेट में आए और कब इसे हम खा ले। तो चलिए फिर इसे झटपट से हम डिश आउट कर लेते हैं। सो हियर वी गो, जो हमारा चिकन चंगेजी है वो सर्व हो चुका है। इसे एंजॉय कीजिए नान के साथ, पराठों के साथ, फुलकों के साथ, जीरा राइस के साथ। ये हर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा यम और टेम्पटिंग लगता है ये चिकन चंगेजी। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।